शहीन की बात कर रहे हो आप? नंबर वन क्या है ये बोलता ना, ये शहीन है, ये कचरा बॉलर है, छवें नंबर पर रैंक आता है उसका, मतलब इतना कोई कैप्टन बनना है जी? शाहिद अफरीदी की सपोर्ट है, शाहिद अफरीदी क्या है? जो घटिया किस्म की नशी जो डाली हुई है वो इमामू लग रहे हैं डाली है, इसका टीम में होना ही नहीं बनता है यार, ही डोंट डिजर्व टू बी अ ओडीआई प्लेयर। ये बयान भी दिया था कि इंडिया के खिलाफ मैं 5 विकेट्स लेना चाहता हूँ, किधर है विकेट्स, कौन सी विकेट, मजाक चल रहा है? इन्हें आज अवाम को वाकई डिसअपॉइंट किया भाई जी, बस छोड़ें आप इस बात को, इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, बस खत्म करें इस बात को, हार्ड हो गया। सही कहूँ तो पाकिस्तान ने दिल तोड़ दिया, सही बात है। अगर आप क्रिकेट कहते हो ना, आप रोहित को देखो, एक दफ़ा शुभमन गिल जल्दी आउट हुआ लेकिन डर के नहीं खेल रहे वो। आवाम को, पूरी पाकिस्तानी आवाम को बड़ी बेसब्री से इंतजार था 14 अक्टूबर का, ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो कैसी लगी आपको इंडिया की, पाकिस्तान की बैटिंग? निहायत फजूल, घटिया तरीन, जो भी कह सकते हैं, मतलब कि इतना बड़ा मैच था कि यार एटलीस्ट कुछ रिजल्ट तो शो कराओ। टीम के अंदर सबसे गंदी किस्म की जो नशी है ना, जो सबसे जो घटिया किस्म की नशी जो डाली हुई है वो इमामू लग रहे हैं डाली है, इसका टीम में होना ही नहीं बनता है यार, ही डोंट डिजर्व टू बी अ ओडीआई प्लेयर। ठीक है, अगर वो अच्छा स्टार्टअप दे स्टार्ट में, तो बाद में आपके वन डाउन जो टू सेकेंड डाउन थर्ड डाउन जो बैट्समैन उन पर प्रेशर ना आए। ठीक है, अगर उसकी जगह आज फखर को रखा होता तो मेरा ख्याल है रिजल्ट कुछ और होते। ये बैटिंग थी, इसको बैटिंग कहते हैं? ये घर से लिखवा के आए थे कि जी हमने इंडिया से ज़िंदगी भर नहीं जीतना, और एक आधे हमारे दो अच्छे बैट्समैन हैं जिन्होंने कोशिश की है परफॉर्म की। मैं कहता हूँ यार ये मामूला कर क्या रहा है टीम में, इंज़मामूला नो डाउट ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपने सिफारिशों पर खिलाना ना, ठीक है मेरा अब्बा ब्रिगेडियर है मुझे आर्मी में भेज दो, और यार हद होती है बगैर दी कि मतलब आप एक इंडिया, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हो वहाँ पर, और आप ऐसे खेल रहे हो जैसे कि भैया मैं क्रिकेट आती नहीं खेलनी, आप एक इतनी बार वाली बॉल को लगा रहे हो, बल्ला लगा रहे हो कि चलो तुक्के से जगह चौका हो जाए, मुझे कुछ रन मिल जाए ताकि मेरी अगली टीम में जगह बन जाए, और भाई इसको हम क्रिकेट नहीं कहते, इसको अगर आप क्रिकेट कहते हो ना, आप रोहित को देखो, एक दफ़ा शुभमन गिल जल्दी आउट हुआ लेकिन डर के नहीं खेल रहे वो, उनका स्कोर देखो, उन्होंने कितनी जल्दी अपना स्कोर सारा कंप्लीट किया, वो पार्टनरशिप लगा रहे हैं अग्रेसिव ना, ग्राउंड में नज़र आ रहा है भाई हम क्रिकेट खेलने आए, लेकिन इसको आप क्रिकेट नहीं कह सकते। हमें चाहिए कैप्टनसी, हमें चाहिए नाम, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए फेम, हमें चाहिए सेल्फीज पर अपने फैंस के साथ, लेकिन हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए भाई। जिन किसी काम की भी नहीं लगी, आपके सामने है कि इन्होंने कोई 8 वर्ल्ड कप हो चुके हैं अभी तक हमारे इंडिया के साथ, और इन्होंने हमारी नकाते ही करवाई है, हमारी बेइज्जती ही करवाई है, हर कभी खुशी का मौका नहीं, कभी खुशी का मौका नहीं दिया, इससे बेहतर ये है कि हम अपने हाथ खड़े कर ले और आइंदा इनके साथ खेले ही ना, उसमें हमारी चलो कोई ना कोई इज्जत बच जाएगी। ये तो हमने लगातार हर बार इनसे मैच अपना फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद एंड पर हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हम अपनी बेइज्जती करवा कर वापस आते हैं। यार अगर सही बात बताऊँ ना, तो पहले थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद आज पाकिस्तान, जब तक बाबर और रिजवान पिच पे थे, तक बाबर और रिजवान खड़े थे तो हम एस्टिमेट लगा रहे थे 300 स्कोर हो जाएगा। यार ओडीआई मैच है, 300 बॉलें हैं, कम से कम 280 स्कोर तो होना चाहिए था, हर बॉल पे एक भी बनाओ तो 300 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, मैं थूकता भी नहीं हूँ इनकी बैटिंग के ऊपर, इनसे अच्छी क्रिकेट हम खेल लेते हैं गली मोहल्ले के अंदर, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। आप इतने बड़े लेवल के ऊपर जाके खेल रहे हो, इमाम ने क्या किया है, मतलब पता लगता है ना कि पर्ची है, बिल्कुल, तो क्या फ़ायदा, ऐसी परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा फ़खर को खिला लेते। उसने भी आउट होना था, मगर थोड़ी सी गेम अग्रेसिव करता, ठीक है, शायद होता कि एक दो चांसेस होते उसके आउट होने के, और शायद वो अच्छा खेल लेता। शदाब ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इफ्तिखार अहमद की लोग बात करते हैं, वो मैच थोड़ा सा संभाल लेते हैं, बचा लेते हैं, उसने क्या किया, तो वो भी आते साथ ही आउट हो गए, वही ना, शायद रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि आप देखो 36 बॉलों पर 36, और इंडिया की आप बैटिंग देखो, रोहित शर्मा किस तरह मार रहा है यार, पहले उनके 10 ओवर में तकरीबन भी 79 मतलब कि 7.5 के रन रेट के साथ वो खेल रहे हैं, और हम खेल रहे हैं 4.5 के रन रेट के साथ, मतलब कि आपको अपनी बैटिंग पे यकीन ही नहीं, लानत है यार। तो क्या कहा जा रहा है, ज़्यादातर मुझे जो सुनने को मिल रहा है वो ये सुनने को मिल रहा है कि मैच वन साइडेड है, मैच बिक गया। यार बिक रहा नहीं, कोई मैच बिकने वाली बात नहीं है, यहाँ ये कहा जा सकता है कि कुछ प्लेयर बिक गए हों, जिस तरह इमामुल हक है ये बिक गया, और शाहीन अफरीदी उनको बड़ा शौक है कैप्टन बनने का, उनके जो ससुर हैं शाहिद अफरीदी उनको बड़ा शौक है इसको नॉमिनेट करने का कैप्टनसी के लिए, और इसने कल आई थिंक ये बयान भी दिया था कि इंडिया के खिलाफ मैं 5 विकेट्स लेना चाहता हूँ, किधर है विकेट्स, कौन सी विकेट, मजाक चल रहा है? नहीं कहा जाता है कि जैसे देखा जाए पाकिस्तान की नंबर वन बॉलिंग थी और बैटिंग भी हमारी बहुत ज़बरदस्त थी, रिजवान था, बाबर था, और रिजवान बाबर ने आज हमारे कप्तान ने 50 स्कोर किया है, 50 की है, रिजवान ने 49 एक कम 50 की है, तो यही दो बैट खेले हैं, बकाया जो बैट थे क्या वो नहीं चल पाए या खरीदे गए? भाई हमारे बैट्समैन जिंदगी भर चल ही नहीं सकते, उसकी सबसे बड़ी वजह, अच्छा जी
टी ट्वेंटी का मैच हम जीते इंडिया से, अब वाह बन गया जी, ये हो गया वो हो गया, आ गया जी आ गया हम फॉर्म में आ गया, अब सारे रिकॉर्ड टूट गए, कौन से टूटे हैं, कोई भी नहीं टूटा। एशिया कप में देखा हमारे साथ क्या ओवर, और श्रीलंका जैसी टीम ने हमारा क्या हाल कर दिया, हमसे आखिरी ओवर में 3 स्कोर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल लख लाना था इस टीम के ऊपर कि इनसे आखिरी। ये अब मेन मसला पता क्या, मुझे पता ना कि भाई मैं अब क्रिकेटर हूँ, मुझे पता कि मैंने अपना आप मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। ज़का अशरफ क्या करने गए, बिल्कुल ऐसे ज़का अशरफ साहब क्या करने गए, मुझे आप इंटरनेशनल खेलने गए हो, आप इंग्लैंड में देख लो, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ किसी बोर्ड का प्रेसिडेंट नहीं आया, इंडिया में होगा ज़का अशरफ ऐसे जाएगा, हमारी बोर्ड ऐसे जाती है क्यों जाके जी, हाँ जी हमें दे दो इतने पैसे दे दो, हमारा पानी का रास्ता खोल दो, तो हम ये वाला मैच जो हार जाते हैं। एक चीज़ को अपन पाकिस्तानी की देखता हूँ ना कि कहा जाता था पाकिस्तानी बॉलिंग नंबर वन है, बॉलिंग नंबर वन है, आज इंडिया की जो बॉलिंग है ही नहीं थी, इंडिया की पाकिस्तान शहीन की बात कर रहे हो आप, नंबर वन क्या है ये बोलता ना, ये शहीन है, ये कचरा बॉलर है, 6वें नंबर पर रैंक आता है उसका, मतलब इतना कोई कैप्टन बनना है जी, शाहिद अफरीदी की सपोर्ट है, शाहिद अफरीदी क्या है ठीक है, वो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है यार, रिश्तेदारी अगर निभानी है ना तो अपने घर पे निभाएं। क्या कहेंगे कि इंडिया की तो बॉलिंग हमें दूर दूर तक किसी नंबर पे नजर नहीं थी आती, आज किस समय नंबर पे आ गई है, वो घर से तैयार होके आए, उनका घर भी है और तैयार भी हुए हैं, एशिया कप में तैयार होके गए थे, वर्ल्ड कप में तैयार होके, उनका मेंटल, इंडिया का रिकॉर्ड ये है कि भाई आप जब तक ए क्लास के 100 मैचेस नहीं ना खेल लेते, आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल लेते, आप नहीं आते आगे। आगा सलमान कहाँ से आए नहीं पता, अल्लाह की कसम मैंने उसका कभी कोई रिकॉर्ड देखा नहीं, और PSL में नहीं देखा, टीम में खेल रहा है, टीम में खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, क्या किया, क्या हम कुछ भी नहीं किया, हमें उनसे बहुत ज़्यादा इस मैच में उम्मीदें थी कि हमें वर्ल्ड कप के और कोई मैच देखने का इतना इंटरेस्ट किसी पाकिस्तानी को नहीं होता, सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, एक मैच होता है, हम जिस जगह पे भी गए हैं मैच चल रहा है क्राउड नहीं है, क्यों नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है यार, परफॉर्मेंस होगी तो क्राउड होगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी प्रेशर में था, इंडिया का क्राउड आया हुआ था 1,30,000, क्या कहेंगे, वाकई प्रेशर में आके खेल नहीं पाए या कोई और वजह भी हो सकती है? देखें प्रेशर होता है, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर है तो इंडिया की टीम पे उससे डबल प्रेशर होना चाहिए कि इतना क्राउड है और अगर वो पाकिस्तान से हार जाती है तो क्या हाल होगा। इंडिया की टीम पे डबल प्रेशर होना चाहिए कि उन्होंने स्टेडियम से बाहर किस तरह निकलना हारने के बाद, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर पाकिस्तान ये स्ट्रेटेजी रख के खेलता कि हमने जीतना है, हमने बाकी मैचेस पे कॉन्सेंट्रेट, ऑब्वियसली आप करें, मगर आप इस मैच को भी तो देखें ना, ये मैच एज इम्पॉर्टेंट है, सब सारे दोनों कंट्री, हाँ दोनों कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप कोशिश करें यार, आप रन रेट अपना अगर 6 के हिसाब से भी लेके चलें पर ओवर, तो ये कुछ रन रेट नहीं है, ठीक है, एक बाउंड्री है, एक सिंगल डबल होती है, इजी सीन है, ठीक है, तो आराम से आप 300 के टारगेट को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, मगर आप अगर खेल रहे हैं, रन रेट आपका सही है, विकेट्स आपके हाथ में, अगर आप 200 स्कोर करते हैं 2 विकेटों के नुकसान पे भी, तो ईजिली एंड वाले 20 ओवर के अंदर आप 350 को टच कर सकते हैं। गेम की एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, आप टॉस हार गए हो, मगर अगर आज आपको पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आई, जो पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आई, बेसिकली असल में मैं आपको बताता हूँ अगर कहाँ पे गलत थे, ये इनका था कि ये लोग टॉस जीतेंगे और ये लोग बॉलिंग पहले लेंगे, बैटिंग इंडिया को देंगे, नो डाउट बैटिंग पिच थी, बट मैंने पिच रिपोर्ट देखी थी, उसके हिसाब से जो आफ्टर था ना कि लाइक अगर आप सेकंड इनिंग्स के अंदर फील्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है, आप टॉस हार गए समझ लगती है, वो टॉस उनकी साइड पे नहीं गया पाकिस्तान की साइड के ऊपर, मगर आप देखें आपके पास प्लान बी भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, अगर आप प्लान ए के साथ है तो प्लान बी भी होना चाहिए, देखें मैच है, बाकी ये है कि हार जीत होती रहती है, मगर ये है कि आज की परफॉर्मेंस लाइक इट वॉज बुलशिट। बस आपने ये कह देना कि यार पाकिस्तान ने आज वाकई दिल को दुखाया और दिल हार्ड हो गया, सही कहूँ तो पाकिस्तान ने दिल तोड़ दिया, सही बात है, आज दिल उठ गया पाकिस्तानी टीम से, दिल उठ गया जेन्युइन बात, यानी अब हम वर्ल्ड कप का कोई मैच देखने वाला नहीं है, वर्ल्ड कप का मैच देखें कह सकते हैं कि नहीं देखेंगे, अगर पाकिस्तानी टीम होगी, अगर पाकिस्तान फर्ज करें अब मैं आगे कोई मैच नहीं देखूंगा, मगर अगर पाकिस्तान आ जाता है सेमीफाइनल्स में फिर थोड़ी सी उम्मीद थोड़ी सी, मगर क्या होगा फिर डिसअपॉइंट कर देंगे, इससे अच्छा देखी ना वही वाली बात है, तो बस अल्लाह करे कि अल्लाह इन लोगों को थोड़ी सी तौफीक दे अच्छा खेलने की, अच्छा परफॉर्म करने की, अगर आप 45-45 लाख 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हो तो कुछ करो भी तो सही, उसका हक अदा करो, ये तो नहीं ना बस कौमी तराना पड़ दी हक अदा हो गया, अब उससे बहुत बेहतर ऑप्शन थी कि आप साई में यूको खिला देते, CPL में उसे 450 मारी गई यार, बिल्कुल नजर आया बड़ा निडर बैट्समैन है, अच्छा खेलता है, अब हमारी साई की पता क्या है, हमें मिल गया आगा सलमान, हमें मिल गया साउथ की, हमने इनकी 4 साल ऐसी रगड़नी है, टेस्ट भी खिलाएंगे, T20 भी खिलाएंगे, ODI भी खिलाएंगे,
खिलाएंगे जब तक उनका जिसम अगले दो साल जवाब नहीं, हम लंबे प्लेयर नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट प्लेयर बनाएंगे, हम छोटे प्लेयर बनाएंगे, एक दो अच्छी इनिंग कराएंगे, पैसा कमाएंगे, किसी ना किसी सोसाइटी का वो बिलबोर्ड पे आ जाएगा, पैसा कमा लिया, प्लॉट मिल गया जी भाई, जिंदगी सुकून, अपनी जिंदगी आसान कर ली है, बस बाकी जाए टीम बाहर में, बाढ़ में जाए, हमने हमने बड़े टैलेंट वेस्ट किए, या चीज़ उमर अकमल ने ज़ाया किया, अहमद शहजाद को बहुत चांस मिले उसने अपना आप ज़ाया किया, नशीन शाह ज़ाया हो रहा है, हर हर टेस्ट मैच खिला देते हैं यार उसको, वो कीनिया के साथ भी वो मैच खिला देते हैं, ये नहीं करते चलो जमान खान है उसको खिलाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पीछे हमारे पास जो बॉलर हैं एक वो है उसामा मीर है उसको खिलाते हैं, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जी, शादाब खान ऑलराउंडर काय का ऑलराउंडर है भाई, सातवें नंबर पे आके आप दो स्कोर करके जा रहे हो, आपको पता ही नहीं हिट कैसे करनी है, ऐसे ही आप कहते हैं जी मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, बॉल आपसे हो नहीं पा रही, नवाज को आप देख लें ऑलराउंडर, पता क्या ऑलराउंडर है जडेजा, ऑलराउंडर है जेन्युइन मायने में ऑलराउंडर जडेजा ऑलराउंडर है भाई, उसको पता है अगर क्रूशियल मोमेंट पे आके मैंने स्कोर करना है ना, मैं एंड पे आके 30-40 स्कोर टाइमिंग घसीट के मैं ले जाऊंगा, बोले तो बाद में गलती से अपनी गलती से आउट होऊंगा, बॉलर का उसमें कोई किरदार नहीं होता, हमेशा अपनी गलती से, रायना था अच्छा ऑलराउंडर, जडेजा था, पांडे आपका अच्छा ऑलराउंडर है, हमारे पास कौन सा, हमारे पास कोई ऑलराउंडर, हमारे पास सिर्फ शादाब ही ऑलराउंडर, हमारे पास शादाब है या कहने को नवाज है, इफ्तिखार है, उसकी लक पे डिपेंड करता है, चल गया तो चल गया नहीं तो घर, नहीं तो घर, हमारे पास हम किस पे खेलते हैं, बाबर रिजवान पे, बस ये दो ही हैं, ये दोनों पे, उसके अलावा हमारे पूरी टीम बनाए करके बैठे हम इन दोनों के सिर पे वर्ल्ड कप खेल। तो क्या लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ हमने 345 रन चेस किया, हाईएस्ट स्कोर बना दिया वर्ल्ड कप में चेजेस का, और आज इंडिया के खिलाफ जब बैटिंग की है तो हमारे 200 पे आर टीम बुक हो गई है, ये पता नहीं भाई जान हम अपना इसमें उनकी नाअहली कह सकते हैं या हमारी टीम बिक जाती है उनके हाथों, ये कुछ समझ नहीं लगती कि 8वां वर्ल्ड कप जा रहा है जिसमें ये लगातार हारते ही जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया से, बाकी अब 345 अगर उधर से ये मार्क्स ले सकते थे और यहाँ पर 200 में आल टीम अपना फारिग हो रही है, तो ये तो एक किस्म की नाअहली कह सकते हैं या बेपरवाही कह सकते हैं, तो ये हमारी समझ से बाहर है, और मैं तो इस बार अपना पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट पर पहुँचना है और इस्तकबाल के लिए टमाटर अंडे लेकर जा रहा हूँ, ठीक हो गया, समझ लगे इस बार। तो क्या लगता है कि आपने मैच देखा, आपको लगा कहीं पर कि ये वन साइडेड मैच हो रहा है? भाई जान ने अपना मुझे तो इसी तरह ही लगा कि वन साइडेड मैच ही हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह लगा कि जिस तरह के हम इंडिया को खुद कह रहे हैं कि आओ तुम जीतो, और हम अपने हारने के मूड से ही गए हुए हैं। क्या मतलब है कि हम प्रेशर में हैं या इंडिया के होम ग्राउंड में खेल रहे हैं जिसकी वजह से हम हार रहे हैं? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है जी, अपना जो सब प्लेयर्स होते हैं उनको किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं होता, इंडिया वाले भी हमारी तरफ आकर खेलते रहे हैं लेकिन उनको जिस तरह के खतरात नहीं रहे, वो यहाँ पर आकर जीत के भी जाते रहे हैं, बिल्कुल कोई हमारे वालों को कोई अलग खतरात तो नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी एक किस्म की नाअहली है या हमारी बदकिस्मती है कि जो हम लगातार इनसे बार बार हारते जा रहे हैं। ठीक हो, तो पता की कहना, मैं कहना यार पाकिस्तान के जो बैटिंग कर ली है बड़े बंदों को आपने कहना यार डिसअपॉइंट किया, गुस्सा आ रहा है, अब बस आप बंद करें माइक को, मेरा इंटरव्यू हो गया स्टार्ट है। अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करूं तो पाकिस्तान की बैटिंग ने आज अवाम को वाकई डिसअपॉइंट किया भाई जी, बस छोड़ें आप इस बात को, बहुत डिसअपॉइंट किया, बस खत्म करें इस बात को। मुझे तो शहीन शाह अफरीदी की आगे जाके पोजीशन टीम में स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, विराट कोहली की विकेट, और शहीन शाह का मुझे बड़ा गंदा किस्म का टीम से बाहर होता नजर आ रहा है, शादाब चोई साहब जो उनसे इंस्टाग्राम यूजर है वो भी बाहर होते नजर आ रहे हैं, नसीम शाह वापिस आएगा शहीन की जगह, हसन अली की जगह नहीं शहीन की जगह, और शहीन साहब ख्वाब सोच रहे हैं कैप्टन बनने के, इनको ये बाहर जाते नजर आ रहे हैं ये दोनों। कहा जाता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर वन है, आज आपने देख ली नंबर वन, नंबर वन आपका बॉलर है ही नहीं, नसीम शाह आपका है ही नहीं इसमें, हसन अली की बड़ी बात है फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी विकेट्स ले रहा है, ठीक है, और तीसरी चीज़ हारिस रऊफ साहब, हारिस रऊफ की भी पेस ऑलमोस्ट डेड होती जा रही है, मतलब कि उस तरह की बॉल फेंक ही नहीं रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा मतलब कि बॉलिंग का, नसीम शाह के बगैर आपकी बॉलिंग कम्प्लीट है ही नहीं, स्पेशली वन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच।